बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सएप बॉलीवुड। सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म राधे को लेकर खबरों में बने हुए हैं। इसके अलावा भी कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। बीते दिनों सलमान खान ने मुंबई के फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए फूड पैकेट्स का इंतजाम कराया था। वहीं अब एक बार फिर से सलमान खान मदद करने के लिए आगे आए हैं। इस बार सलमान खान ने एक 18 साल के लड़के की पढ़ाई में मदद करने का फैसला लिया है। आपको बता दें, कर्नाटक के इस बच्चे के पिता का कोरोना के चलते निधन हो गया था। इस जानकारी को युवा सेना नेता राहुल एस कनाल ने अपने ट्वीट के माध्यम से दी है। उन्होंने ट्वीट में एक न्यूज़पेपर की कटिंग शेयर की है जिसमें ये जानकारी दी गई है कि सलमान ने 18 वर्षीय साइंस स्टूडेंट की आर्थिक मदद की है और उसकी सभी जरूरतों को भी पूरा किया है जो उसकी आगे की पढ़ाई करने में मददगार साबित होगी। बता दें, राहुल एस कनाल इस समय सलमान खान के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। साथ ही कनाल ने ये भी कहा है कि सलमान खान अपने लोगों की मदद करने के लिए पूरे परिवार के साथ लगे हुए हैं। उन्होंने अपनी टीम को ये निर्देश दिया है कि जो लोग भी मदद मांगे उन्हें निराश नहीं करना है, जो भी संभव हो सके वो मदद करना है। आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ फिलहाल पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है। ऐसे में सोनू सूद समेत कई फिल्मी सितारों ने मदद का हाथ बढ़ाया है। वहीं सलमान खान भी मदद में पीछे नहीं हटे हैं। उन्होंने अपने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन और आई लव मुंबई नाम के एनजीओ के साथ मिलकर मुंबई के अलग अलग इलाकों में फूड पैकेट्स पहुंचाने का काम किया है। इसके अलावा वो लोगों तक प्लाज्मा और ऑक्सीजन भी पहुंचाने में जुटे हुए हैं। सलमान खान के अलावा बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुष्मिता सेन, विद्या बालन जैसे बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने कोविड 19 से जूझ रहे लोगों की मदद करने के लिए काफी डोनेशन भी दिया है। वहीं सोनू सूद और रवीना टंडन ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने लोगों तक डायरेक्ट सेवा पहुंचाई है, चाहे वो फिर ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर हॉस्पिटल में बेड्स। अगर हम सलमान खान के काम की बात करें तो जल्द ही उनकी फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई ईद के मौके पर ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। फिल्म का गाना और ट्रेलर तो पहले से ही रिलीज हो चुका है और फैंस को सलमान का अंदाज एक बार फिर से काफी पसंद आया है। प्रभुदेवा के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में सलमान खान के अलावा दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ और रणदीप हुड्डा भी नजर आएंगे। वेल, सलमान खान को बड़े दिलवाला तो बोला ही जाता है और इस तरह से एक बार फिर इस लड़के की मदद करके सलमान खान ने ये बात साबित कर दी है कि वो बड़े दिलवाले हैं। अगर आपको सलमान खान से जुड़ी ये खबर अच्छी लगी है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड।